Hey guys, welcome back to the channel. My name is Suresh Patel and in today's video I am going to review this white t-shirt. This t-shirt is from the brand TMB Basics. अगर आपने इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना है तो ये ब्रांड एक यूट्यूबर की है. His name is Mayank Bhattacharya. I am sure कि आप लोग उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे. In case अगर कि नहीं जानते हो तो go and check out his channel. He produces really really amazing content. तो पहले क्लियर करता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और इसको भी मैंने खुद के पैसे से परचेस किया है. तो ये टी शर्ट मुझे पड़ी है 600 रुपीज की और मार्केट में जैसा हम लोग जानते हैं कि 200 रुपीज से भी टी शर्ट स्टार्ट होते हैं. तो क्या 600 रुपीज इन्वेस्ट करना बस एक टी शर्ट में ये वर्थ इट है कि नहीं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. और पहले फिट कैसा होता है ये भी तो देख लें. तो ये टी शर्ट कुछ देखने में ऐसा लगता है, इसकी फिटिंग और इसकी क्वालिटी, इसमें क्या कमियां थी वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे. उससे पहले अगर कि आप इस चैनल पर नए आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. नाउ लेट्स रोल द इंट्रो. तो ये टी शर्ट कुछ मायनों में बहुत ही अच्छी है बट एक दो पॉइंट मुझे लगी जो सही नहीं है, वो दोनों की बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मुझे इस टी शर्ट में क्या पसंद आया. सबसे पहली चीज ब्रांडिंग. इस टी शर्ट के ऊपर आप कहीं भी ब्रांडिंग नहीं दिख रहे होंगे. इसकी ब्रांडिंग जो की गई है वो बिल्कुल अंदर की गई है. ये इस टी शर्ट की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है क्योंकि मार्केट में हम जब भी जाते हैं कोई टी शर्ट लेने के लिए तो उसपे मैक्सिमम टाइम छोटा ही सही लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ब्रांडिंग की होते हैं. इससे पता चल जाता है कि वो किस क्वालिटी का है या कैसा है. तो ये मेरे लिए एक सबसे अच्छी बात है कि इसकी ब्रांडिंग जो की गई है वो अंदर है. दूसरी पॉइंट, अगर इस टी शर्ट की क्वालिटी की बात करूं जो इस टी शर्ट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है. अब देखो समर्स का समय चल रहा है और कहीं भी मैं कोई भी एसी कूलर पंखा कुछ भी नहीं चला रहा हूं. और अभी इसके पहले जो मैंने शर्ट पहना था उसके अंदर मुझे गर्मी लग रही थी. समझ में आ रहा था जैसे मेरा बॉडी हीट बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है, अंदर ही रह रहा था. और इस टी शर्ट के साथ वो प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिल रही है. इस टी शर्ट की जो मटेरियल है वो कॉटन है और ऐसा फील होता है ना जैसे कि अंडर गारमेंट्स पहना हुआ हूं. और ये अगर आपको लग रहा है कि समर्स में ये मुझे गर्मी नहीं लगने दे रहा है तो ये बहुत ही पतला होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी 2 दिन पहले मैंने H&M से कपड़े लिए थे, पहले वॉश के बाद उसका सेप पूरा बिगड़ गया था. और इसको देखकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं भैया ये 600 रुपए मेरे इन्वेस्ट हुए हैं, वेस्ट नहीं हुए हैं. तो क्वालिटी वाइज इसकी थर्ड सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट इसकी फिटिंग. अब देखो मैं हूँ 5'9" का और ये टी शर्ट की जो साइज है वो M है. मेरा चेस्ट 39 का है और ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि जैसे ये बिल्कुल पर्सनली मेरे लिए कस्टमाइज किया हो. इसकी फिटिंग एक नंबर कह सकते हो. इसकी फिटिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, फिटिंग बहुत ही अच्छी है. तो ये थे इसके कुछ अच्छे पॉइंट. अगर की बात करूं जो मुझे इसके अंदर पर्सनली लगा कि नहीं ये चीजें थोड़ी सही नहीं है तो वो है पहले इसके स्लीव लेंथ. ये मैंने एक बार फोल्ड किया हुआ है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे लगता है ये काफी बड़ी है मेरे लिए. तो इसकी स्लीव लेंथ मुझे बड़ी लगी इसलिए मैं इसे फोल्ड किया हूं, बट ओवरऑल ठीक ही है. अगर कि कोई मेरे से ज्यादा लंबा चौड़ा होगा तो उसको ज्यादा सही होगा, बट स्लीव लेंथ में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखी. दूसरी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल स्लिम फिट है तो अगर कहीं किसी का थोड़ा सा भी बेली निकला हुआ हो, जैसे शायद आपको नोटिस हो रहा हो अगर कि मैंने थोड़ा पेट खुलाया है तो, बस इससे ज्यादा फुल नहीं रहा मेरा, लेकिन अगर किसी का सच में बेली हो तो उसको उसके बेली काफी ज्यादा विजिबल होंगे. तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है. और वैसे अगर कि आप फिट हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर कि फिट नहीं हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे हम लोग 30 days 200 पुशअप डेली चैलेंज कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग 30 डेज तक लगातार पुशअप्स मारेंगे 200 डेली के हिसाब से. तो आओ और ज्वाइन करो हम लोग के टीम को और थोड़ा फिट हो जाओ. अभी कॉलेज वॉलेज भी खुल गए हैं और सब कुछ खुल ही रहा है तो धीरे धीरे जिम भी खुलेंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी. तो ये इसकी दो प्रॉब्लम थी. तीसरी एक मुझे छोटी सी प्रॉब्लम लगी थी, पता नहीं क्या हो सकता है मेरे टी शर्ट में हो, बट
स्टिचिंग में मुझे कई प्रॉब्लम लगी थी, कहीं कहीं थ्रेड्स बहुत ज्यादा निकले हुए थे, तो अगर लेकिन उसे सीजर से कट कर लेंगे तो ओवरऑल वो ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल इस टी शर्ट की बात करूँ तो रिकमेंडेड, ये मुझे 600 रुपीज़ का नहीं 500 रुपीज़ का पड़ा था, क्योंकि उस समय सेल चल रही थी। तो ओवरऑल ये टी शर्ट बहुत अच्छा है और इसे हम लोग काफी अलग अलग आउटफिट इससे तैयार कर सकते हैं। तो बस दैट्स ऑल, तो ये थी इस टी शर्ट की कहानी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी कीप हसलिंग, आई विल सी यू सून, बाय बाय।